सर, चूंकि क्रिसमस आ रहा है, सबसे पहले बताइए कि यू नो बहुत बुरी तरह से लोगों ने झेला है सब कुछ बहुत समय, बट अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सब अपनी फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे, खुशियाँ वापस आ रही हैं। सबसे पहले अगर क्रिसमस की बात करें तो आपके जहन में क्रिसमस से क्या आता है? नहीं, क्रिसमस से यही आता है, एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर। मैं उस समय नागपुर में था, जगह जगह हर घर में स्टार लगे होते थे और स्टार में जो वो कुछ अच्छे अच्छे म्यूज़िक क्रिश्चियन फैमिलीज़ में लगे होते थे। पूरा मोहल्ला जो था हमारा बहुत ही स्पिरिचुअल माहौल से ढक जाता था नागपुर में उस समय। मेरे नाना नानी रहते थे, मैं वहीं रहता था, मेरी बचपन की बड़ी अच्छी अच्छी मेमोरीज़ वहाँ पर है। लगभग हर घर में हम घुसते थे और क्रिश्चियन फैमिलीज़ में केक काटते थे। वो केक काटने का हमें और खाने का बड़ा बड़ा मज़ा आता था। एक तो बचपन, ऊपर से ऐसा माहौल और भीनी भीनी सर्दी, जो मतलब प्लेन एरियाज की सर्दी, वो मुझे बहुत याद आती है इन दिनों की। और अभी जब घर में ऐसा कुछ होता है तो सीक्रेट संता बनके लोग गिफ्ट देते हैं, तो आप घर में इस तरह से कुछ बच्चों को? अभी तो नहीं, लेकिन अभी जब मेरी बेटियां छोटी थी, अब तो बड़ी हो गई, तो मैं वाकई बाकायदा दाढ़ी वगैरह लगा के और चुपके से उनके रूम में झांक के उनको उसी भाषा में बोला था, बोला करता था, कीती कैसी हो बेटी, मैं आया हूँ तुम्हारे लिए ये गिफ्ट लाया हूँ। और वो मामा 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 सेंटा आया है, मामा मामा सेंटा आया। वो छोटी छोटी इतनी पागल हो जाती, उनको लगता था वाकई आ गया है। तो ये मैं करता था बहुत। अभी बीच में मैंने फोटो भी बड़ी अपलोड की थी पीछे उनकी, क्योंकि ये समय बड़ा ही मतलब एक तरह से अच्छा नहीं चल रहा है एक तरह से जी। तो चूंकि गैदरिंग वैदरिंग के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से सेलिब्रेट करें, क्या करें? बस अब इसका तो यही है कि फैमिलीज अपने अपने उसी में सेलिब्रेट करें, दोस्तों को भी भुला लें ध्यान में रखते हुए, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि ये चीज़ हमारे हाथ में है नहीं। हमने सोचा था कि ये पूरी तरह से अभी पूरी तरह से तो नहीं, फिर भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा, लेकिन एक ऑल वेरिएंट आ गया इसने और डरा दिया। तो ये तो एक तरह का बड़ा शापित सा महसूस कर रहे हैं हम। पिछले साल अगर बात करें, साल 2021 मतलब कैसा रहा आपके लिए, क्योंकि सबने धीरे धीरे ही सही बट एक तरह से पटरी पर आ गई थी लाइफ, तो कैसा रहा अगर आपकी बात करें 2021 कैसा रहा आपके लिए? देखिए 2021 हमारा शुरुआती दौर में तो बहुत ही ख़राब रहा, क्योंकि हमारा हम वाकई मतलब हम बस अभी मतलब कहते हैं ना कि टेक ऑफ लेने वाले थे हमारी लाइफ। इतने समय तक तो ठीक था, बढ़िया था, एक और ऊपर उठान थी, लेकिन वो फ्लाइट फिर नीचे आ गई हमारी। तो 2021 बहुत ही मध्यम गया है, मैं आपको बताऊँ। एक तो कोरोना की टेंशन ने हम सबको बहुत बहुत परेशान किया, मैं दुखी करके रख दिया कि ये है तो है क्या चीज़, और ऊपर से जो गलत गलत धारणाएँ सुनने में आ रही है कि ये लैब में निर्मित है और ये है वो है, इससे और भी डर जाता है इंसान, लगता है कि फिर तो कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी, फिर तो ये तो अब ज़िंदगी का हिस्सा हो गया है, तो फिर क्या लाइफ है क्या, ये इतनी नीरस लाइफ क्या है यार। तो एक तरह का एक निराशावादी दृष्टिकोण भी कई लोगों में पैदा हुआ, ऐसा हम भी कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे रहे हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं हमारी जो टेंडेंसी रही, हम कहीं रुके नहीं हैं, चाहे किसी बात, चाहे पढ़ाई की, बच्चे पढ़ाई नहीं छोड़े, हमने अपना काम नहीं छोड़ा, आप लोगों ने अपना काम नहीं छोड़ा, तो कहीं ना कहीं उम्मीद है, मतलब क्योंकि उम्मीद पर नहीं, बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद। और एक नई 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 चीज़ें लोगों ने खोजी हैं, जैसे ऑनलाइन स्टडीज़ जो हैं, बच्चों ने जो बेचारे मोबाइल तक देखना नहीं जानते थे, अब धीरे धीरे वो टेक्निक से वाबस्ता हो रहे हैं, डिजिटल वर्ल्ड से वो वाबस्ता हो रहे हैं। तो हर चीज़ के कुछ मेरिट डिमेरिट्स भी होते हैं, शायद ऊपर वाला कुछ सिखा रहा होगा, भाई ये भी सीख लो आगे के लिए। हमारा काम क्योंकि सबके सामने का काम है, जो है वो दिखेगा आपको, और हमको ऐसा ही होना है, ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त जो हैं वो बाकायदा बम्बई छोड़ के चले गए, जो अपने अच्छे अच्छे सपने लेकर यहाँ पर आए थे कि हमें कुछ बनना है, और वो बीच में ही चले गए और बहुत निराश हुए हैं और कुछ इस दुनिया में भी नहीं रहे। तो किस तरह से क्या किस तरह से वेलकम करना चाहेंगे, कि जो हो गया तो वो पास हो तो वापस आ नहीं सकता, बट आने वाले साल से उम्मीद बहुत होती है लोगों को, तो क्या उम्मीद है? बस यही कहूँगा कि ये कोरोना का जो संकट है ये जड़ से ख़त्म हो जाए, बस बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाए। वो दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब मोदी जी ये कहें कि अब सब मास्क फ्री हैं, अब दुनिया पहले जैसी है बल्कि पहले से भी बेहतर है, बस ये सुनने को कान लालायित है। जूम के सभी दर्शकों को मेरी ओर से, मतलब रोहिताश गौड़ उर्फ मनमोहन तिवारी की तरफ से और भाभी जी घर पर के तमाम कलाकारों की ओर से नव वर्ष की अनेकों अनेकों शुभकामनाएं।